हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जो थोड़ा सा बदलाव किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे क्या हुआ है चेंज। तो गाइस, गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को थोड़ा सा अपडेट किया गया है। तो अगर आप पुराना वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखा है तो आप नया वाला सर्टिफिकेट ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर पुराने वाला सर्टिफिकेट और नए वाला सर्टिफिकेट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो मेन जो चेंज है वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आईडी। आप देख सकते हैं नए वाले सर्टिफिकेट में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आईडी लिखा हुआ है, पर पुराने वाले में वो लिखा हुआ नहीं है। इस आईडी को आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा, तो आप ज़रूर नया वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। और जो थोड़ा सा चेंज हुआ है वो है नए वाले सर्टिफिकेट में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, पर पुराने वाला सर्टिफिकेट में वो अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ था। तो गाइस, इससे तो आपका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर जो वैक्सीनेशन आईडी नए वाले में ऐड किया गया है वो आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए नए वाला सर्टिफिकेट ज़रूर से डाउनलोड करना। तो गाइस, अगर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वाला वीडियो ज़रूर से देखिए, आपको आसानी से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना आ जाएगा। तो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।